अभी हाल ही में 1 जुलाई को रिलीज होने जा रही फिल्म ओम द बैटल विद इन के ट्रेलर में पोखरण परमाणु परीक्षण और एक परमाणु वैज्ञानिक का अपहरण का जिक्र देखकर भारतीय सेना सतर्क हो गई है। बता दूं कि भारतीय सेना ने इसके बारे में फिल्म निर्माता और कंपनी को पत्र लिखकर फिल्म रिलीज से पहले इसका एक शो भारतीय सेना के अधिकारियों के लिए करने को कहा है, ताकि देखा जा सके कि इस फिल्म में कहीं पर भी भारतीय सेना को नकारात्मक नजरिए से तो नहीं दिखाया जा रहा। फिल्म के निर्माताओं में कोरियोग्राफर से निर्माता बने अहमद खान का भी नाम शामिल है। फिल्म का नाम अब फिल्म ओम द बैटल विद इन न होकर राष्ट्रकवच ओम या फिर ओम ही रखा जा सकता है। बता दूं कि फिल्म के रिलीज को अब कुछ ही दिन बाकी है, लेकिन इसे लेकर भारतीय सेना श्योरिटी चाहती है कि इस फिल्म में कुछ भी निगेटिव नहीं है भारतीय सेना को लेकर। इसे लेकर जी स्टूडियो को, जो फिल्म निर्माता कंपनी है, उसे भारतीय सेना से पत्र भी मिल चुका है। भारतीय सेना की भूमिका से प्रेरित होकर कई फिल्में बनती रहती है, लेकिन कई बार इसमें सेना से जुड़ी बारीकियों को सही तरीके से नहीं दिखाया जाता और ना ही नियमों का पालन किया जाता। इसे लेकर भारतीय सेना ने हाल ही में सभी फिल्म निर्माताओं से अनुरोध किया था। उनका कहना था कि सेना के पृष्ठभूमि पर बनी फिल्मों की पटकथाएं और उनकी पहली कॉपी को उन्हें सौंपा जाए। ऐसा तो उन चंद फिल्मों के रिलीज के बाद हुआ जिनकी कहानियां तो सच्ची बताई गई, लेकिन उनके तथ्यों की तरफ निर्माताओं का ध्यान नहीं गया। सेना इन फिल्मों को सही नजर से दिखाने के लिए मदद के लिए तैयार भी रही है। इस फिल्म की कहानी एक प्यारा कमांडो की है जिसकी याददाश्त जा चुकी है। ट्रेलर की शुरुआत में जॉकी श्रॉफ का किरदार पोखरण, 1998 की टेस्ट और तमाम ऐसी बातों का जिक्र करते हुए नजर आता है जो इस किरदार के अपहरण का सबब बनता है। रोमांटिक हीरो के इमेज से निकलकर एक्शन हीरो की कोशिश कर रहे आदित्य राय कपूर इस कहानी और मूवी के मुख्य किरदार में है। अब 1 जुलाई को ही पता चल जाएगा कि आखिर सेना के बारे में ऐसा इस मूवी में क्या कहा गया है। आई होप ये जानकारी भरी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को एक लाइक कर देना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मेरे ऐसे ही बेहतरीन और रोचक वीडियो के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके बाकी वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे कुछ नए और रोचक जानकारी के साथ। तब तक धन्यवाद।